मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि केयर। आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ही इतने अच्छे हैं कि मैं उसको बताए बिना रह ही नहीं पाती। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंटी एजिंग नाइट क्रीम के बारे में, जो कि श्लोका की है। एंटी एजिंग नाइट क्रीम ये कोलेजन और विटामिन ई से है। इसकी सबसे बड़ी मोदी केयर की खासियत ये है कि ऑल स्किन टाइप्स होती है। सो फ्रेंड, देखिए ये पैकिंग भी इसकी कितनी अच्छी है। ये पैक होके आती हैं, ये बिल्कुल, जिससे आपको पता चलता है कि किसी ने भी इसका यूज नहीं किया हुआ, क्योंकि खुली हुई होती है, उससे लगता है कि हाँ ये यूज करी हुई तो नहीं है। सो पैकिंग बहुत ही अच्छी रहती है। अब मैं इसके आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसमें सबसे ऊपर है, सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस ब्रैन ऑयल। राइस ब्रैन ऑयल के बारे में तो सभी जानते हैं कि आजकल हमें खाने में भी यूज राइस ब्रैन ऑयल के बारे में किया जाता है कि आप और रिफाइंड कोई ना खाएं, राइस ब्रैन का यूज करें। ये बहुत ही, क्योंकि राइस आपने देखा होगा कई फेस पैकों में या उसमें राइस वाटर बहुत अच्छा बताया जाता है। दूसरा है सनफ्लावर ऑयल। इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल होता है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट पाया जाता है इसके अंदर, जो हमारे को रिंकल से फ्री करता है और जो पफीनेस आ जाती है, आपने देखा आंखों के नीचे बहुत से लोगों के पफीनेस होती है, तो ये उसको भी ठीक करता है और इसमें स्मूथनेस भी आती है स्किन के अंदर। एंटी एजिंग का तो काम करता ही करता है। इसका मेन जो वर्क है वो है एंटी एजिंग। जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं वो इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं या वो है तो वो लोग यूज करेंगे। 25 साल के बाद धीरे धीरे स्किन में फर्क आने लगता है, तो ये वो लोग सभी यूज कर सकते हैं। एवोकाडो ऑयल है इसके अंदर, जो कि सनबर्न को भी दूर करता है। जो सनबर्न हो जाता है या स्किन टैन हो जाती है उसको भी ये ठीक करता है। किसी किसी के चेहरा स्मूथ नहीं होता, उसको स्मूथनेस देता है। इसमें एक वीट जर्म ऑयल होता है जो हमें यूवी रेस से बचाता है, जो स्किन टोन को भी बनाए रखता है। एक और चीज है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इन्फेक्शन से बचाता है हमें, जो कि इतने सारे ऑयल होने के बावजूद आप ये कहेंगे कि ये ऑयली होगी। नहीं, ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये स्किन को टाइटनिंग भी करती है और हमारे जो रिंकल्स हैं उनको नहीं होने देती, क्योंकि स्किन टाइट होगी तो रिंकल होंगे ही नहीं। ऑलमंड ऑयल भी है इसके अंदर, जो हमारे स्किन को नॉरिशिंग करता है। ये एंटी एजिंग क्रीम बहुत ही अच्छी है। जब आप यूज करेंगे तो आप खुद भी इसकी तारीफ करेंगे। इसको रात में फेस वॉश करें सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं आप, और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा लगाकर अपने स्किन पर और अच्छे से फैलाएं, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो रिंकल फ्री हो जाएगी। ओके फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी है, ऑल स्किन टाइप है। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।